नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइज, अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हो, तो भाई आपके साथ भी काफी बार हुआ होगा, यानी आपके अकाउंट की जो है स्टोरी यानी स्टोरी व्यूअर्स में ब्लू टिक अकाउंट्स आते होंगे, यानी आपकी स्टोरी को ब्लू टिक अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट आपकी स्टोरीज देखते हैं। और गाइज, आप लोग सोचते होंगे कि ये हमें ना ही फॉलो करते हैं, ना ही हमें जानते हैं, ये हमारी स्टोरी क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं और उनसे उसको क्या फायदा होने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में आप सभी को इसके पीछे का रीजन बताने वाला हूँ, किस लॉजिक के चलते, किस चीज के चलते जो है वो लोग आपकी स्टोरी देखते हैं, एंड भाई इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है उनको। तो बताने वाला हूँ ये क्या है और आप सभी को बताऊंगा इसको आप कैसे कर सकते हो, यानी आप भी कैसे कर सकते हो, जिससे आपको भी फायदा होने वाला है। तो बताने वाला हूँ क्या है, वीडियो आपको एंड तक देखते रहने होंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ब्लू टिक अकाउंट यानी वेरीफाइड अकाउंट आपकी स्टोरी क्यों देखते हैं, उनसे उसको क्या फायदा होने वाला है। वहां पे जो है वो लोग जो है यूज करते हैं मास स्टोरी व्यूअर का, यानी ये कुछ इस तरीके के बॉट होते हैं जो एक टाइम पे मिलियन ऑफ यूजर्स की स्टोरी देख लेते हैं। तो भाई मिलियन ऑफ यूजर्स यानी लाखों यूजर, आप खुद सोचो, अगर आप लाखों यूजर्स की जितने आपके फॉलोइंग होंगे, 100, 200, 500 फॉलोइंग होगी, जब आप उन सबकी स्टोरी देखने बैठोगे तो अराउंड 1-1.5 घंटे, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। बट गाइस, यहां पे कुछ बॉट जो होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, जिनकी मदद से जो है वो लोग मिलियन ऑफ स्टोरीज देख लेते हैं, मिलियन ऑफ अकाउंट्स की स्टोरीज देख लेते हैं। आप लोग बोलोगे कि उससे जो है उनको क्या फायदा होने वाला है, यानी ब्लू टिक अकाउंट को क्या फायदा होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि इससे जो है वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करते हैं। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे कि वो स्टोरी हमारी देख रहे हैं, एंगेजमेंट उनकी क्यों इंक्रीज होगी, एंगेजमेंट तो हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब गाइस, अगर आप फॉर एग्जांपल आप खुद अपनी एक स्टोरी लगाओ इंस्टाग्राम पे, एंड भाई अगर उस स्टोरी को ब्लू टिक अकाउंट, जैसे मेरा ब्लू टिक अकाउंट है, मैं आपकी अगर स्टोरी देखता भी नहीं हूं और मैंने जो है मास फॉलोअर्स का यूज करके, यानी मास स्टोरी व्यूअर का यूज करके आपकी स्टोरी पे मैं आ चुका हूं, ठीक है, तो आप लोग देखोगे भाई ब्लू टिक अकाउंट और अचानक से जो आपने देखा और ना स्क्रीन, बहुत से लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लगा देंगे, भाई इस ब्लू टिक वाले बंदे ने हमें स्टोरी देखी है, और उसको टैग भी कर देंगे। तो भाई ये मेरे पास्ट में भी करा है, अब मुझे पता चल गया क्या होता है, पास्ट में भी मैंने करा था बहुत बार, आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो आप सभी को पता होगा, एंड बहुत से लोग अभी भी स्टिल करते हैं। तो भाई ये जो होता है, यानी इससे जो है उनकी जो है एंगेजमेंट बढ़ जाती है। और गाइस दूसरा रीजन ये है कि जैसे अगर वो आपकी स्टोरी देखेंगे तो आप जल्दी से बोलोगे कि अरे यार ये ब्लू टिक वाला बंदा कौन है, इसकी प्रोफाइल पे जाते हैं, तुरंत आप प्रोफाइल पे जाएंगे। एंड भाई आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम का एक फीचर है प्रोफाइल विजिट्स करके, जिससे जो है आपको पता चलता है कि प्रोफाइल जो है कितने लोगों ने विजिट करी है पिछले 7 दिनों में। तो उससे क्या होता है, अगर आपका अकाउंट जो है डेड है, यानी अगर आपके अकाउंट पे रीच नहीं है, तो अगर आपके प्रोफाइल विजिट्स बढ़ जाते हैं, यानी 7 दिन के अंदर 1-2 लाख प्रोफाइल विजिट्स आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम आपको जो है बूस्ट दे देता है, यानी आपका आपका अकाउंट फॉलोअर्स आ जाते हैं, बहुत जल्दी जो है इंक्रीज होने लग जाता है, आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। 500 लोगों की उसने स्टोरी देखी है, यानी 500 लोग के साथ साथ अगर आपने स्टोरी मेंशन भी करें तो 500 लोगों के साथ 1000 लोग और आ गए, यानी 1500 लोग उस अकाउंट पे आ गए उसके अकाउंट पे, तो उसके 1500 प्रोफाइल विजिट्स वैसे ही बढ़ गए, तो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट जो है बूस्ट होने लग जाएगा। तो आप खुद सोचो गाइस इस चीज से कितना फायदा होता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये चीज इलीगल है, ये है, वो है, बेकार है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये चीज बेकार भी नहीं है एंड ये चीज अच्छी भी नहीं है। इससे गाइस दो चीज है, यानी एक चीज है कि बेकार इसलिए नहीं है क्योंकि यार इससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, यानी प्रोफाइल विजिट्स बढ़ रहे हैं और यार फॉलोअर बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली एंड लोग आपको जाने लग जाएंगे। सेकंड चीज ये है कि गाइस एक चीज देखी जाएगी कि अगर आप किसी की भी स्टोरी देख लेंगे, यानी आपका अकाउंट जो है किसी की भी स्टोरी देख लेगा, तो भाई उससे उसको यानी कोई प्रोफाइल की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी किसी भी यूजर की, यानी कोई भी एक बड़ा सेलिब्रिटी है, अक्षय कुमार ने अगर आपकी स्टोरी देख ली, मेरी स्टोरी देख ली, तो मैं तो सोचूंगा यार ये हर बार देखता है, 2-3 बार देखी इसने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो भाई मैं तो नहीं मानता, बट आप लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये है, और आप लोग बताना कैसा लगा। एंड मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, टाइम में मैं आप सभी को ये भी बता दूंगा कि कैसे जो है इसको यूज करते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।